हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DFO इंटरनेट में। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्राम पंचायत ऑपरेटर की जो भर्ती होने वाली है उसमें फॉर्म जो फिलअप करना था उसमें संशोधन हुआ है। जो नया फॉर्म आया है उसमें जो है संशोधन के बारे में, अब देखिए पहले उस फॉर्म में जो है ये चीज़ें नहीं थी कि ऑप्शन में यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि आवेदक का जो है ग्राम पंचायत और विकास खंड और जनपद, ये चीज़ें नहीं थी जो कि अब की बार अपडेट होके आई हैं। उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक का पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि हाई स्कूल के अनुसार और आयु जो है 1 जुलाई 2021 के अनुसार, वर्ष महीना और दिन, आपका जो वो है जेंडर है उसको भरेंगे। उसके बाद में हाई स्कूल की इंटरमीडिएट, उसके बाद में जो डिग्री या स्नातक की होगी या फिर कोई कंप्यूटर की डिग्री होगी तो उसको फिलअप करिएगा आप लोग। और एक अपडेट और आया है जो सेक्शन 13 में है, मृतक का नाम अगर कोई आवेदक है तो उसका जो है उनके परिवार के किसी सदस्य का कोविड के दौरान मृत्यु हो गई है तो उसके बारे में जो है आई है तो उनको हो सकता है वैरिता दिया जाए इसके इस फॉर्म के बारे में। तो और यहाँ पे एक घोषणा पत्र है, इस वेरीफाई करना होगा उनको जो फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में ये आप जब फॉर्म जमा करेंगे अपना तो आपको यहाँ से फार के जो है वो रसीद जहाँ पे जमा करेंगे उसके बाद में आपको ये रसीद दी जाएगी जब फॉर्म आप पूरा फिलअप करके जमा करेंगे। आइए हम पुराना फॉर्म दिखा देते हैं आप लोग को एक बार। अब देखिए दोस्तों, ये पुराना फॉर्म है आपका। देखिए इसमें आवेदक का नाम था, पिता एवं माता का नाम था, ऐसे करके था, यहाँ पे फ़ोटो लगाना था और इसमें कई ऑप्शन थे जो है उसमें। देखिए इसमें 11वां सेक्शन था उसमें 13वां कर दिया गया, तो अपडेट हुआ है फॉर्म। तो आप नया फॉर्म से करेंगे और मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नया फॉर्म से जो है भरिएगा। और आप सबको पता ही है कि पूरे ग्राम पंचायत में सब लोगों में बहुत आकार का माहौल बना हुआ है कि मैं हो जाऊं, लेकिन जो है सरकार का शासन आदेश है कि जो है आवेदक उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए जो आरक्षित सीट है। जैसे महिला है अगर आपके यहाँ प्रधान तो जो है केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। अगर किसी दशा में मतलब महिला कोई आवेदन नहीं करता है तो पात्र नहीं है मान लीजिए तो जो है पुरुष को वैरिता दी जाएगी, अन्यथा महिला को ही वैरिता मिलेगी पहले। और जो सीट आपके यहाँ आरक्षित होगी उसी पे वैरिता मिलेगी सबसे पहले। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉर्म भरने का भी मैं अगले वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।